इसके निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एलविस यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। जी वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। नोएडा पुलिस ने दोस्तों अपने बयान में बताया कि एलविश यादव से आज पूछताछ की गई और उस पूछताछ में कुछ सबूत भी उनके खिलाफ मिले हैं, जिसके कारण उन्हें आज दोस्तों कोर्ट में पेशी के लिए भी ले जाया गया। देखना होगा कि एलविश यादव आखिर कब तक इसी तरीके से सुर्खियों में बने रहते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब करो देखो देखो।